पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए ने बोला धावा। टेरर फंडिंग को लेकर सबसे बड़ा एक्शन, 10 राज्यों में छापेमारी, 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं यूबी इंडिया न्यूज। एक बार फिर दिन की शुरुआत देश भर में कई जगहों पर छापेमारी से हुई। इस बार यह है छापेमारी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के खिलाफ की गई। पीएफआई के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की अगुवाई में आज गुरुवार को उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक समेत 10 राज्यों में कई जगहों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 100 से ज्यादा पीएफआई से जुड़े लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उससे जुड़े ठिकानों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय और राज्य पुलिस की ओर से 10 राज्यों में यह कार्रवाई जारी रही। छापेमारी के दौरान 10 राज्यों में 100 से ज्यादा पीएफआई के कैडर की गिरफ्तारी हुई है। एजेंसियों की ओर से की गई गिरफ्तारियों में से ज्यादातर उन लोगों को पकड़ा गया जो छापेमारी के दौरान स्पॉट के आसपास धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और ये सभी पीएफआई के सदस्य हैं। कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, बिहार, असम, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में 40 ऐसी लोकेशन हैं जहां एनआईए और ईडी के साथ मिलकर छापेमारी की है। केंद्र सरकार पिछले कई महीनों से पीएफआई के कार्यकलाप पर लगातार नजर रख रही थी और बड़ी बड़ी बैठकें कर उनके कैडर्स के कामकाज पर नजर रख रही थी। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में कई स्थानों पर तलाशी लेकर की गई। पीएफआई और इससे संबंधित लिंक पर जांच एजेंसी द्वारा देश भर में यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। ये छापेमारी आतंकवाद के वित्त पोषण ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने और प्रतिबंधित संगठनों में शामिल होने के लिए लोगों को कट्टरपंथी बनाने में आवासीय और आधिकारिक परिसरों में की जा रही है। माना जा रहा है कि एनआईए के 200 से अधिक अधिकारियों और छापेमारी टीम के सदस्यों ने यह छापेमारी की। सूत्रों ने समाचार एजेंसी एएनआई को एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारी आधी रात से ही पीएफआई नेताओं के घरों पर छापेमारी कर रहे हैं। एनआईए ने पीएफआई से जुड़े एक दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक हाल के दिनों में एजेंसी ने देश के पीएफआई लिंक के सिलसिले में 100 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। पिछले दिनों 18 सितंबर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आंध्र प्रदेश के कई जिलों में कई स्थानों पर छापेमारी की थी और पीएफआई के सदस्यों को हिंसा भड़काने तथा अवैध गतिविधियों के सिलसिले में पूछताछ के लिए उठाया भी गया था।